नमस्कार, मैं हूं अमोल और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीकेबी न्यूज प्रस्तुत देसी कलाकार इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम का उद्देश्य नागपुर के उन कलाकारों को आप तक पहुंचाना है जो पिछले कई साल से हमारे इस क्षेत्र यानी कि कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक अच्छा मुकाम, एक अच्छा नाम जो है उन्होंने इस क्षेत्र में अपना कर लिया है और इसीलिए इन सभी को आप तक हम लोग लेकर आने वाले हैं। और इसी कड़ी में जो कलाकार हमारे साथ है, उसने गौरव महाराष्ट्र एक बहुत ही खूबसूरत सा सिंगिंग कॉम्पिटिशन था उसमें नागपुर से पार्टिसिपेट किया था। पिछले 10 से 15 सालों से वो नागपुर के संगीत जगत में काम कर रहे हैं। कई सारे बड़े नाम जब हम उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा कि वो उनके साथ स्टेज भी शेयर कर चुके हैं। और ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करता हूँ, जो जल्लोश बैंड को जानते होंगे वो मेरे ख्याल से पुनीत कुशवाहा को जरूर जानते होंगे। तो पुनीत, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इसे बहुत बहुत बधाई दे देता हूँ, हाल ही में एक नए इनिंग की इसने शुरुआत की है। संगीत के अलावा और किसी के साथ ये 7 जन्मों के लिए बन चुका है, तो हाल ही में भाई साहब की शादी हुई तो उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू भैया। और जैसे कि मैं कभी भी किसी भी इंटरव्यू की शुरुआत करता हूँ तो शुरुआत बचपन से ही करता हूँ, तो तुम्हारा बचपन कैसा रहा, कहाँ तुम्हारी पैदाइश हुई, स्कूलिंग कहाँ से, और उसके बाद फिर अगले सवाल पे आते हैं। मैं बॉर्न एंड ब्रॉटअप नागपुर हूँ और नागपुर में ही मेरी स्कूलिंग हुई है। मैं यशोदा हाई स्कूल में था, वहाँ पर मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। वहाँ से म्यूज़िक इन द सेंस कैसा होता है ना कि अब मेरे फैमिली में मेरे पापा गाते थे थोड़ा बहुत, मेरे पापा फ्लूट बजाते थे थोड़ा बहुत, और ऐसा कोई सिंगर नहीं है हमारे घर में जैसा कोई फैमिली में होता है ना, यूजुअली कोई फैमिली से आता है और सिंगिंग करता है टाइप्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इतना है पहले से कि मैं म्यूज़िक, हमारे घर में सब लोग म्यूज़िक को बहुत पसंद करते हैं, तो वहाँ से मुझे म्यूज़िक एग्जैक्टली थोड़ा बहुत मिला हुआ है। और फिर उसके बाद स्कूल में थोड़ा बहुत गाता था मैं, स्कूल में भी नहीं, आफ्टर टेंथ, ऑलमोस्ट टेंथ में मुझे पता चला कि मैं गाना गा सकता हूँ। उसके पहले तो मैं साइड ड्रम बजाता था स्कूल में। ओके, बस रिदम सेक्शन में ही था। अच्छा, तो 10वीं के बाद मतलब 12th के बाद तुमने कहा, तो 12th के बाद 10th के बाद ऐसा लगा कि नहीं मैं गा सकता हूँ, वो कौन था जिसने बताया कि भाई तुम गा सकते हो, या अंदर से आवाज़ आई कि पुनीत तू गा सकता है? ऐसा कोई नहीं है कि क्या होता है ना कि आप देखो, हर एक इंसान में एक सिंगर होता है, अब वो कहीं भी गाए, अब आप समझ लो एग्जैक्टली लेकिन क्या होता है ना कि मैं भी पहले गाता रहता था थोड़ा बहुत, लेकिन वो एक स्टेज फियर जो चीज़ होती है ना, वो स्टेज फियर मेरे में उतना ज़्यादा नहीं था जितना एग्जैक्टली लोगों में होता है कि अगर गाना गाना है और स्टेज पे खड़ा कर दिया तो गाना गा सकता है क्या। लोग पहले से ज़्यादा उतना नहीं था, थोड़ा डर लगता है, ऑब्वियसली किसी को भी लगता है डर तो, राइट, लेकिन थोड़ा बहुत था पहले से। लेकिन ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा, ऐसा कह सकते हो आपको, मुझे पहले से मिली हुई है सारी चीज़ें कि आपको ऐसा कोई डर नहीं लगेगा स्टेज एंड ऑल पर। तो मैंने पहली बार स्कूल में गाया था हमारा दिवाली, मुझे अभी भी याद है। हमारी एक मैम है सईदा मैम करके, उन्होंने बोला था कि तू अच्छा गा लेता है थोड़ा बहुत। मैं एक बार रिसर्च में गा रहा था तो तू गा लेता है, एक काम कर तू चल उधर गा। okay. तो मैं वहाँ पर गाया पहली बार गाने के लिए, तो थोड़ा सा मैंने गा लिया प्रिंसिपल के ऑफिस में, तो बोले चलो ठीक है इसको म्यूजिक में, वैसे भी मैं म्यूजिक में था ही, okay. तो मुझे सिंगिंग में डाल दिया थोड़ा बहुत गाते गाते। तो फिर मैंने पहली बार वहाँ पर स्कूल में, हमारा गैदरिंग नहीं, दिवाली वैकेशन के पहले एक प्रोग्राम होता है हर स्कूल में, वहाँ पर गाया था मैंने पहली बार। बस गाना याद है कौन सा गाया था? गाना कैसे भूल सकता, तुम्हारा पहला गाना है कैसे भूलोगे आप। गाया था मैं, एक्चुअली क्या हुआ उस पर्टिकुलर टाइम पर ना इंडियन आइडल 1 आया था और मैं बिग फैन ऑफ अभिजीत सावंत। ओके, है ना, लाइक राहुल वैद्य का भी बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, लेकिन बिग फैन ऑफ अभिजीत सावंत। लाइक मैं उस टाइम पर क्या होता ना, दूरदर्शन वाले थे अपन, राइट, तो रेडियो में एक आता था, रेडियो में एक पर्टिकुलर टाइम पर एक रेडियो में सेक्शंस दिखाते थे उसमें उनके गाने, तो मैं सुनता था। तो उस टाइम पर ना उनका एक एल्बम आया था आपका अभिजीत, अभिजीत उसका लफ्जों में कहना सकूं मैं। ओके तो हमारे दर्शक भी ज़रूर जो है इस गाने को सुनना चाहेंगे और हम, मुझे पता है 100% तुम सुनाओगे। और हमारे साथ तो सिर्फ पुनीत ही नहीं, पुनीत के साथ और भी दो लोग कौन है, वो कौन है ये हमारे खुद पुनीत इंट्रोड्यूस कराएंगे। वही मैं कह रहा था कि मैं मेरे दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराऊँ, तो ये मेरे बैंडमेट्स हैं, और बैंडमेट्स नहीं कहूँगा, मेरे भाई लोग हैं लोग मेरे साथ। कीज पर है सूरज, कीबोर्ड पर सूरज आमनिक, और अनिकेत बारापात्रे ऑन कहून है, वो एक्चुअली ड्रमर है हमारे, और हम लोग साथ में परफॉर्म करते हैं हर जगह। और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या हुआ ना कि सबको लेकर नहीं आ सकते थे, सबका टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो मेरे साथ सूरज है और अनिकेत है और मैं हूँ, और मेरे साथ अमोल मंदार, अरुण शेंडे
बाप रे, पहली बार कैमरे के सामने मैं बताना चाहूंगा किसी ने मेरा पूरा नाम लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाना हो जाए फिर? हाँ चलेगा, ताकि इंटरव्यू की शुरुआत अच्छी रही, तो मेरे ख्याल से जो लोग वहाँ बैठे हैं उनको भी मजा है और जो यहाँ बैठे हैं उनको भी मजा है। श्योर, तो चलिए शुरुआत करते हैं अभिजीत सावंत के। आपका स्केल क्या था? थोड़ा सा स्केल एक बार सेट कर लूं। हल्की सी बरसात में पहली मुलाकात में पहली बार में दिल को मेरे ले गए चाहत के करार में अनजाना गम ले गए आई जब सामने जाने क्यों वो डर गए पागल मुझको लगे के दिन में रात है न जाने क्या बात है लगे के दिन में रात है नहीं है सुबह तो नहीं शाम अलग हाल में यार है लफ्जों में कह ना सकूं बिन कह भी रह ना सकूं बस यही है। क्या बात है ये ना गाना, इसको सुनने के बाद ना हमेशा जब भी मैं देखता हूँ इसको फेसबुक पे यूट्यूब पे या फिर लाइव, तो मेरे को सनम की याद आती। पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि सनम का कॉपी पेस्ट है। कौन? पुनीत। अरे बाप रे, मतलब मैं हमेशा सोचता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों आदमी मतलब एक ही आदमी है। अगला सवाल मैं पूछूंगा, ये तो स्कूल की जर्नी रही, उसके बाद स्कूल में पहली बार गया और तुम्हें 10th के बाद ऐसा लगा कि आई एम मतलब सिंगिंग मुझे करियर करना चाहिए। पहले गुरु कौन थे फिर जीवन में? कई सारे लोग हैं उनके माता पिता होते हैं, तुम्हारे लाइफ में पहले कौन से गुरु थे जिन्होंने सिंगिंग को सीरियसली लिया और आज जिस मुकाम पे तुम आए हो तो उनमें उसका बहुत बड़ा हाथ है उनका? गुरु एज इन देखो कैसा होता है ना कि गुरु दो टाइप के होते हैं एग्जैक्टली किसी से आप इंस्पायर होते हो राइट और एक होते हैं जो आपको टीच करते हैं। तो मैं जिनसे इंस्पायर हुआ था वो एक्चुअली क्या था ना कि मेरे मामा जी तो जो थे वो थोड़ा बहुत हारमोनियम बजाते थे और मेरे पापा जैसे फ्लूट करते थे गाने गाते रहते थे, तो इन लोगों को ही सुन के थोड़ा बहुत मैं ये शुरू करता था। क्योंकि जब मैंने ये गाना गाया था स्कूल में तब मेरे कोई गुरु नहीं थे उस पर्टिकुलर टाइम पर, अपने को पता भी नहीं था ना कि हम लोग सिंगिंग करेंगे लाइक कभी, तो वहाँ से मैंने शुरुआत की है मेरे पापा जैसे मेरे मामा। उसके बाद हमने क्या किया कि मैंने मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि तू क्लासेस ज्वाइन कर, उसके बाद मैंने निरंजन बोबड़े सर के पास गया, क्लास किया वहाँ पर कुछ दिन, फिर उसके बाद मैंने पंडित प्रभाकर धाकड़े सर से लिया ट्रेनिंग। एक्चुअली वहाँ से प्रभाकर धाकड़े सर जी जो है ना उनसे धाकड़े सर से मैंने ये सीखा कि ना क्या होता है कि सिंगर होता है एग्जैक्टली, अब सिंगिंग में बहुत सारी ज़रूरत होती है चीज़ें, लाइक कुछ लोग होते हैं क्लासिकली ट्रेंड होते हैं right. और कुछ लोग होते हैं जिनका आवाज़ अच्छा होता है, उन लोगों को मॉड्यूल करना पड़ता है उनका आवाज़ कैसा है एग्जैक्टली। तो गुरुजी ने एक ही चीज़ सिखाई थी धाकड़े सर ने कि मेरा जो आवाज़ है ना उसको तू निखार कैसे सकता है, उन्होंने प्रैक्टिस करवाई, सारी चीज़ें करवाई, उनके गज़ल भी मैंने बहुत सारे गाए हुए थे, उनके साथ प्रैक्टिस किया था। लेकिन क्या होता ना कि उन्होंने मुझे एग्जैक्टली बताया कि तू इस गाने को कैसा प्रेजेंट कर, तो आज जब भी हम लोग गाना गाते हैं तो हर एक शब्द को हम लोग कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं, वो सारी चीज़ें गुरु जी से सीखने मिली और बस इसी हिसाब से सब कुछ चलते रहा। मतलब नागपुर में बहुत सारे कलाकार हैं जो धाकड़े सर से जुड़े हुए हैं, उसमें से हमारे पुनीत भी, मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट 98%। जी हाँ, मैं जिनसे भी बात करता हूँ तो सब उन्हीं का ही सर जनरली नाम लेते हैं। पहली बार कमर्शियली कब स्टेज पर आए, घर वालों का कैसा रिस्पॉन्स था, तुमने बोला भाई अब तो सिंगिंग करना है मेरे को? पहली बार ऐसे मुझे बहुत अच्छे से याद है, कमर्शियली मुझे पहला जो अमाउंट मिला था वो 200 रुपये मिला था। क्या बात है। और वो मैंने गाया था ये CRPF कैंप है ना वहाँ पर गणपति बैठते हैं। ओके तो वहाँ पर उन्होंने मुझे बकायदा बुलाया हुआ था और एनवलप में भर के 200 रुपये दिए थे, लेकिन उस 200 रुपये की वैल्यू इतनी ज़्यादा थी। राइट उस समय वो पहला परफॉर्मेंस और वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे आप। आपको 2 लाख रुपये मिल जाए, 3 लाख रुपये मिल जाए, 4 लाख मिल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ आपको हरदम याद रहेगी कि वहाँ पर मुझे वो चीज़ मिली थी। पहली चीज़ मुझे भी 250 रुपये मिले थे, 50 रुपये पुनीत से ज़्यादा। पुनीत कौन सा गाना गाया था तो उस वक्त, सेम गाना गाया था कि कोई दूसरा गाना गाया था फिर जब शो किया था तब? मुझे एग्जैक्टली सच में याद नहीं है, मैं
बहुत ज़्यादा ब्लैंक था। ओके अब क्या है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर मुझे अब पुलिस वालों से पहले से ही डर लगता है, मैं तो कंडक्टर से भी डर लगता था क्योंकि वो उसी टाइप के ड्रेस में दिखते थे। अच्छा तो मेरे को पुलिस वालों से बहुत डर लगता था, तो मुझे खड़ा कर दिया वहाँ पर और वो CRPF बोलते थे, तो लाइक थोड़ा सा अलग लगता है कि भाई गोली ना मार दे कोई। राइट, राइट। तो मुझे सच में अभी भी याद नहीं है कि मैंने क्या गाना गाया था वहाँ पर, लेकिन जो भी गाया था बहुत बुरा गाया था मुझे भी पता है, लेकिन उसका भी उन्होंने पैसा दिया, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि फिर उसके बाद तुम सीखे और एक टेलीविजन शो में भी तुम गए। हाँ ऑडिशन कैसा हुआ, एक्सपीरियंस कैसा रहा, और तब उस शो के दौरान तुम क्या सीखे, खुद में क्या डेवलप किया फिर तुमने, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी बदल गई। ये ना मेरा बेस्ट टाइम है लाइफ का, सीरियसली बता रहा हूँ, अभी तक की जितना भी मैंने जिया हुआ है उसका बेस्ट टाइम कह सकता हूँ मैं। क्योंकि क्या होता है ना कि मेरा एक ड्रीम था कि मैं अजय अतुल सर से मिलूँ कभी। ओके है ना। सो क्या रात को मुझे ऑलमोस्ट 8:30 हमारे घर में लैंडलाइन था, उस टाइम पर फ़ोन था मेरे पास, लेकिन लैंडलाइन पर फ़ोन आया मुझे एंड वो मुझे बोलते हैं कि भाई कल ऑडिशन है, मराठी रियलिटी शो है। और मैं बता दूं कि मैं मराठी रियलिटी शो में था, ETV मराठी गौरव महाराष्ट्र में। तो उनका फ़ोन आया और मुझे उसने बताया कि यार कल इतना दीनानाथ है स्कूल में, इतने मुझे ऐसा ऑडिशन, हाँ ऐसा ऑडिशन है और वहाँ पर अजय अतुल आ रहे हैं। एंड सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि ना मुझे कोई गाना नहीं आता था, मुझे सिर्फ दो गाने आते थे, एक हिरवा निसर गाता था और जीवा रंगला दंगल आता था। दो गाने के बेस पर मैं गया था ऑडिशन देने के लिए और वहाँ पर मैंने गया, फर्स्ट राउंड क्लियर किया और मुझे बहुत एक रहता ना अपना डेडिकेशन के साथ अपन गाते हैं क्योंकि हम लोगों को उनसे मिलना है। मुझे ये चीज़ थी नहीं कि मैंने सिलेक्शन होना है, क्योंकि मुझे पता था कि सिलेक्शन तो नहीं होगा, तो मुझे सिर्फ मिलना था उनसे। और पहला राउंड क्लियर किया जैसे तैसे, दूसरा राउंड में मैंने बहुत अच्छा गा लिया और तीसरा राउंड जब था उनके सामने था और मैंने उनके सामने उनका गाना गाया था जीवा रंगला दंगला, तो अजय दादा ने मेरे को गले लगाया था एंड वो बहुत बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए। और फिर उसके बाद फिर रियलिटी शो में चले गए, फिर वहाँ पर एक्चुअली वहाँ पर समथिंग कुछ चेंजेस हुए, वहाँ पर जजेस चेंज हो गए बाद में, फिर बाद में सुरेश जी आए, बेला शेंडे मैम आई, तो फिर वहाँ पर सब चला और वहाँ पर एपिसोड में अराउंड मैं टॉप 8 में था उसमें। और फिर उसके बाद वही चलते रहा, वहाँ से सीखने वाली बात ऐसी थी कि हर एक एपिसोड में हमको सिखाते थे। ओके और हर एक एपिसोड में हमारा ग्रूमिंग होता था तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है, लाइक आप क्या हिसाब से परफॉर्म करोगे ना, मतलब अगर मैंने थोड़ा बहुत भी परफॉर्मेंस स्किल अगर कुछ सीखी है वो वहीं से सीखी है, क्योंकि एग्जैक्टली आप कैमरे के सामने हो तो खेलना है उनके साथ, और वो चीज़ कैसे है तो वहीं से सीखी है थोड़ी बहुत जो भी आती। मैं ऐसा कहना चाहूँगा बहुत सारे गाने तुम सुनते होंगे, गाते भी होंगे, लेकिन कुछ गाने ना दिल के बहुत करीब रहते हैं, तो ऐसा कोई गाना, क्योंकि बहुत लंबा बातें चल रही, मैंने कहा गाना थोड़ा हो जाए ताकि पुनीत है हमारे साथ तो लोगों को लगे भाई गाने तो है नहीं बातें ही होती रही। एग्जैक्टली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं ना यूजली प्रीफर करता हूँ कि मैं खुद के कंपोजिशन गाऊँ। ओके तो हम लोगों ने ना मैंने पहले से सोच के रखा था, अब जलोश जैसे बैंड है तो हम लोग हरदम चाहते थे कि हमारे खुद के ही गाने गाए, क्यों 10 लोगों के गाने गाए, ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं है, लेकिन क्या होता है ना खुद के ऊपर ट्राई करना ज़्यादा ज़रूरी है और वो अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है लोगों के ऊपर अगर अच्छा बन गया तो गाना। आई डोंट नो एग्जैक्टली आप लोगों को अच्छा लगेगा क्या, लेकिन मैं गाना चाहूंगा मेरा खुद का गाना। बिल्कुल जरूर, पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट भी करिए और पुनीत के लिए कुछ लिखना हो तो जरूर लिखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। सो रामा रामा मेरा पहला गाना था। ओके हे रामा रे तेरे ही जग सारे, तू ही सबको बिगाड़े, तू ही सबको सवारे, तू ही दिल में बसे, तू ही रग रग में बहे, तू है तो हम है सारे, तू ना तो कहाँ रे। रामा 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 रे रामा रे रामा रे रामा 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 और जग सारा छोटा रे, कोई क्या कर पाए, तू जब हमसे है रूठा रे, मझधार मेरी नैया, तू ही है
या तो डुबा दे मुझको या पार लगा दे नैया, क्या अब तक पाया अब क्या खोना है, तू भी जो चाहे वही होना है, हे राम हरे तेरे ही जग सारे, तू ही सबको बिगाड़े तू ही सबको सवारे, तू ही दिल में बसे तू ही रग रग में बसे, तो सारी बातें इतिहास की हो गई। और तुम्हारे गाने के लिए कहने चाहूँगा कंपोजिशन बहुत अच्छा है, गाना भी बहुत अच्छा है। ऐसे कितने गाने बना लिए हम लोगों ने अभी तक? 12 गाने बना लिए हैं। क्या बात है। और ये आएंगे कब लोगों के? एक आगे आए रामा रामा, हम लोगों ने रिलीज कर दिया है। ओके। वो यूट्यूब पर रामा रामा पुनीत सर्च करेंगे तो विल गेट। ओहो, तो अगर गाना सुनना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो जरूर यूट्यूब पर जाइए, भाई साहब का अकाउंट है और सर्च क्या करना है, रामा रामा पुनीत। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बदलती हुई दुनिया के साथ कोरोना में पुनीत का क्या हाल हुआ, पुनीत ने कोरोना में खुद को अपडेट कैसे किया, नया पुराना कौन सा सिंगर उसका पसंदीदा है, और हमारे नागपुर के इस म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में वो क्या सोचते हैं, इन सभी सवालों के जवाब पुनीत खुद देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। फिर एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीकेबी न्यूज द्वारा प्रस्तुत देसी कलाकार इस प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ है हमारी नागपुर की आन बान शान और हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम यानी कि पुनीत। तो फिर एक बार पुनीत, ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू सर। ब्रेक पर जाने से पहले हमने इनका खुद का कंपोज किया हुआ गाना सुना रामा रामा, और आई होप आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आया होगा। मैं पहले ब्रेक पे जाने से पहले कह रहा था कि तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है, पहले ये बताओ। पुराने जमाने में से मैं कह रहा हूँ किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, तब पे उस टाइम पर तो डेफिनेटली किशोर कुमार सर है, लेकिन मेरे फेवरेट सिंगर है हरिहरन सर। ओके। हाँ। और लेटेस्ट में? फिर लेटेस्ट में अरिजीत दर है, और फिर उसके बाद जुबिन नोटियाल है अभी, और राहुल वैद्य का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या बात, ये तो मैं दूसरी बार शायद बोल दिया, और अगर गलती से कभी ये वीडियो राहुल वैद्य जी देखे तो ये बहुत बड़ा। मैं मिला उनसे। क्या बात है, तो जरूर एक बार मिलिएगा। हाल ही में राहुल भाई की भी शादी है, इनकी भी शादी, तो थोड़ी तो सिमिलरिटी इन दोनों में है। तो इतने सारे तुमने नाम लिए, तो सबसे ज्यादा किसको सुनते हो, हरिहरन जी को या फिर रोहित भाई को या फिर राहुल भाई को या फिर और किसी को? ऐसा नहीं है सर, डेफिनेटली फेवरेट सिंगर एज इन मेरा कहना यह था कि मुझे बहुत पसंद है वो। ओके ओके। लेकिन मुझे गाने सारे पसंद है, मैं सारे गाने सुनना पसंद करता हूँ। इवन क्या होता है ना, एज एन मैं सिंगर ना होते हुए मैं कंपोजर हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें सुनना जरूरी है, तो मैं सब कुछ सुनता हूँ, मतलब कुछ भी हो जाए। मैं राजस्थानी फोक भी गाना सुनता हूँ, हम लोगों ने राजस्थानी गाते भी हैं हम लोग हमारे शोज़ में एंड ऑल। फिर उसके बाद मैं अपने मराठी गाने बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, अजय अतुल का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं बोलना भूल गया था, लेकिन एज एन कंपोज़र, आपने सिंगर बोला तो एज एन कंपोज़र मैं अजय अतुल का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। मैं ये पूछना चाहूँगा अभी कि कोरोना के बाद मैंने कहा कि ज़िंदगी बदल गई, मैं क्या पुनीत क्या सारी दुनिया ही बदल गई, तुम्हें सबसे बड़ा बदलाव जो है इस कोरोना में क्या हुआ, खुद को क्या अपडेट किया तुमने, और सबसे ज़्यादा क्या मिस किया इस कोरोना में? मिस तो ऑडियंस को किया, सीरियसली ऑडियंस को किया, क्योंकि क्या है ना,
ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली हम लोग शोज करते रहते थे, कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग होती रहती थी. रिकॉर्डिंग एंड ऑल क्या है, हमारे घर में तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन वो क्राउड नहीं मिल पाता. वो लोगों का डांस, वो लोगों का चिल्लाने का आवाज़, वो गाने का, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा मिस किया. अभी धीरे धीरे चीज़ें सुधर रही है. और एज एन अपडेशंस की बात करें तो मैंने थोड़ा बहुत टेक्निकल हुआ हूँ, इन लोगों के साथ ही हुआ हूँ, इन लोगों ने बहुत सिखाया है मेरे को. और सब लोग एक मेक से सीखते रहें. और अभी रिकॉर्डिंग वगैरह खुद की कर ली है हम लोगों ने. जैसे हम लोगों ने कंपोजिशंस बहुत किए, कंपोजिशंस पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया. आगे बैंड को, जल्लोश को कैसे प्रमोट किया जाए, किस हिसाब में करना और कहाँ पर क्या परफॉर्म करना, ये भी. क्योंकि हम लोग पहले क्या रहता था ना, हम लोग सिर्फ सारी चीज़ें एक ही साथ परफॉर्म कर लेते थे, लाइक अनप्लग्ड भी, फिर डांस नंबर्स भी, फिर सूफी भी, सब एक ही इसमें आ जाता था. लेकिन अभी हम लोगों ने सबका एक यूनिट बना लिया है और फिर वो धीरे 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 हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अभी. क्या बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रह गया और अभी जब बात हो रही थी तो मुझे फिर याद है, जल्लोश बैंड कैसे फॉर्म हुआ और नाम जल्लोश क्यों रखा, क्या मतलब शुरुआत कैसे हुई? जल्लोश मीन्स मराठी में होता है सेलिब्रेशन, राइट? राइट राइट. तो क्या होता है कि हम लोगों का एक बैंड था पहले, हम लोग लाइक क्या होता है, मुझे नाम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था मेरे खुद की, लाइक एज एन पुनीत का बैंड होना चाहिए. और सब लोग बोलते थे उस टाइप का, पुनीत का बैंड है, पुनीत का बैंड है. मुझे एक चाहिए था कि यार मेरा ग्रुप का नाम होना चाहिए. राइट राइट. मेरा नाम अपने आप हो जाएगा कहीं ना कहीं से, अगर तुम्हारे काम को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर होना तो तुम्हारा नाम अपने आप हो जाना है. तो आज हम लोग जैसे भी उस टाइम पर हम लोग बैठे थे कहीं और हम लोग ऐसा ही सोच रहे थे कि भाई क्या करना है हमको आगे. तो ना एक दोस्त आए हमारे, और मेरे एक सर थे आरजे मिलिंद, आपको पता है. राइट. तो आरजे मिलिंद सर के साथ ही हम लोग पहले कोलाब में काम करते थे. अभी भी मैं उनका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने बहुत सिखाया है. तो उस टाइम पर हम लोग बैठे थे और बोले यार नाम कुछ रखते हैं. तो एकदम से एक लड़का बोलता है जल्लोश कैसा रहेगा. जल्लोश मेरे लिए बहुत नया था क्योंकि मैं हिंदी साइडर बनता हूँ और मुझे नहीं पता है ना कि एग्जैक्टली जल्लोश का मतलब. लेकिन जल्लोश मुझे ना साउंड बहुत अच्छा किया यार जल्लोश. अब कोई एंकर बोलेगा, अब आप ही कभी जल्लोश बोलोगे तो कितना अच्छा साउंड करता है. तो मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, पुनीत से तो अच्छा ही था तो फिर जल्लोश कर दिया. बाद में दो तीन बार रियलाइज़ हुआ कि यार जल्लोश सही जा रहा है क्या, क्योंकि मराठी नाम है, लोगों को ऐसा ना लगे कि मराठी बैंड है टाइप्स, तो कहीं एक ऐसा कोई रीजनल चीज़ें ना आ जाए. लेकिन वो नहीं हुआ, लकीली नहीं हुआ हमारे साथ, क्योंकि हम लोगों ने हिंदी मराठी सब गाया साथ में और फिर उस हिसाब से जल्लोश को सस्टेन कर लिया. अब थोड़ा रैपिड फायर हो जाता है, कुछ ऐसे सवाल पूछते ताकि हमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कंटेंट मिले, वो थोड़ा सा वायरल हो जाए. मुझे डर लगता है इस चीज़ से, सीरियसली बता रहा हूँ. हमारी नागपुर की म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा कुछ पूछे थे ताकि लोगों को लगे अपनी बातें कर रहा हूँ, हमारी तो बात ही नहीं किसने तो ऐसे भी लोगों की हम थोड़ी बात कर लेते हैं. नागपुर में बहुत सारे सिंगर्स हैं, सब अच्छा ही गाते हैं, बुरा तो कोई गाता ही नहीं अपने हिसाब से. आपके हिसाब से अच्छे सिंगर्स आपके लिए कौन है? इमर्जिंग सिंगर बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, पुराने नए सब कोई भी चलेगा. मुझे कुछ आवाज़ें बहुत पसंद है नागपुर में. मैं ऐसा नहीं है कि प्लीज़ मुझे, मेरे सारे दोस्त ही हैं तो प्लीज़ गलत मत लेना, लेकिन मुझे अभिषेक दहीकर का, अभिजीत मसराम, उसका आवाज़ बहुत पसंद है. ओके. अभिजीत के साथ लास्ट टाइम अभी रिसेंटली मैंने शो किया, उसके साथ हम लोगों ने दोनों ने बहुत अच्छी बात की है. क्या होता है ना कि सिंगर्स में बोलते हैं कि भाई बहुत क्लैशेस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. सारे बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे. फिर उसके बाद फीमेल सिंगर में देखा जाए तो श्रुति जैन, और फिर उसके बाद स्नेहा उमरेडकर, बहुत अच्छी सिंगर है लड़की, और चल रहा है अभी धीरे. नेहा तिड़के करके एक सिंगर है जिन्होंने मेरे साथ बहुत पहले परफॉर्म किया है, उसका आवाज़ का फ़ैन हूँ मैं. लेकिन क्या है ना, उनका आवाज़ का प्रॉब्लम बस यही है कि वो एक जोन में थे, एक जोन में बहुत बहुत बेस्ट है वो, लेकिन अपने शोज़ में आपको पता है तो वो हाँ बस उसी चीज़ के कारण. कभी नेहा मुझे सुन रही है ना तो प्लीज़ ऐसा मत समझना भाई तुझे अलग किया हुआ है मैंने, सब अच्छे हैं, बस इतना ही है. ये तो अच्छे लोगों की बात हुई. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुर से कई बार भटक जाते हैं, गाड़ी है तो स्पीड कम ज़्यादा होते रहते, ऐसे कुछ लोग हैं तुम्हारे ध्यान में? नाम बताना चाहोगे? नहीं पर है. नहीं नहीं सब अच्छे नहीं ऐसा कुछ नहीं है. क्या होता है कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं, इसीलिए सिंगर्स बिखरता है, ऐसा सिंगर नहीं बिखरता. ये बात भी सही. आगे आने में बहुत सारा काम करना है इसको आने वाले दिन. अगला सवाल ऐसा है कि मतलब ऑर्गेनाइजर्स हैं जो हम लोगों को बेसिकली मतलब कलाकारों को शोज प्रोवाइड करते हैं. मेरा पर्सनली ऐसा मतलब देखना है और मैंने ऑब्जर्व किया है कि कई सारे ऑर्गेनाइजर्स ऐसे होते हैं जिनको म्यूज़िक की एम की भी समझ नहीं होती, लेकिन ज्ञान आपको पूरे मतलब पूरे दुनिया भर का दे देते हैं, तो क्या उसके ऊपर क्या टेक है तुम्हारा? मतलब सी क्या है ना कि एक कोई भी अगर आए, देखो कैसा है, मैं ऐसा किसी के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन मुझे काम सबके साथ करना है, क्या करो फंसा रहे हो. लेकिन मैं बस इतना ही बोलूँगा, अगर वो आके कोई चीज़ बोलते हैं ना हमको,
तो एज एन ऑडियंस सुनो, क्योंकि क्या है ना, आप स्टेज पर रहते हो और आप स्टेज पर क्या गाते हो वो आपका कॉल होता है। अब वो आके अगर कुछ बता रहे हैं ना, तो वो एज एन समझो कि वो एज एन ऑडियंस सुन रहे थे आपको, और उसके बाद एक ऑडियंस आके आपको बता रही है कि आपने ये गलती की है। अब वो गलतियों को आप गलती समझ रहे हो या उसमें इम्प्लीमेंटेशंस लाने हैं आपको, पॉजिटिव रेट में देखोगे तो ज़्यादा बेटर है। नेगेटिव देखकर क्या, उसके बाद उसको आपको काम नहीं मिलेगा उनसे। तो बेटर है कि पॉजिटिव ही देखो। और ऐसा ऐसा कोई भी नहीं है, मुझे नहीं लगा नागपुर में मुझे कोई ऐसा आके कोई मिला, लेकिन जितने भी लोगों ने मिला बहुत अच्छा दिया है सजेशंस, और उसको हम लोगों ने बहुत काम में लाया है हमारे भविष्य में, बहुत दूर तक जाएगा, बहुत डिप्लोमेटिक लड़का है। डिप्लोमेटिक नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत क्लियर हूँ मेरे विजन्स को लेकर कि भाई जो है सो है। ऐसा ही सब अच्छा ही है, बुरा तो कोई होता ही नहीं। अगला सवाल ये है कि कोरोना से ना एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है लाइव शोज का, फेसबुक लाइव कहीं है, इंस्टाग्राम लाइव कहीं है, तो इसमें वो उन सारे लोगों ने नहा लिया जो साल साल भर नहीं नहाते थे, मतलब जो सिर्फ बाथरूम में ही गाते थे वो अभी मतलब खुले में चौड़े में गा रहे हैं, मतलब लोग भी सोचते अरे भाई क्या गा रहा है, मत गा, नहीं गाता तो अच्छा होता। तो ऐसे लोगों के बारे में तुम्हारा क्या मतलब टेक है, तुम क्या सोचते हो जो फेसबुक लाइव्स कहते हैं बहुत बेसुरा गा रहे हैं पर गा रहे हैं लोग अप्रिशिएट भी, क्या गा रहा भाई बढ़िया मज़ा आ रहा है। नहीं मैंने कुछ वीडियोस देखे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्या होता है ना कि इंसान ने समझ लेना चाहिए कि वो सिंगर नहीं है, और उस पर्टिकुलर मोमेंट पर अगर वो गा रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना सर, ऐसे लोगों को फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। मैं वही सोच रहा हूँ, ढिंचक पूजा एक एग्जांपल है हमारे पास, बिग बॉस जैसे शो तक चली गई वो, अब सोचो हम यही है, नागपुर के बाहर भी नहीं जा रहे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ढिंचक पूजा की भी अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं वायरल हुई है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो कंटेंट होगा ना भाई। कंटेंट मैटर करता है आपका, अच्छा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, देखो सही करो गलत करो पब्लिसिटी होती है, राइट राइट, अब वो गलत में हो वो भी पब्लिसिटी ही कहलाती है ना, तो बस पब्लिसिटी मैटर करती है। आखिरी सवाल पूछूंगा मैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला है, सारे डिफिकल्ट है मेरे लिए। बहुत सारे सिंगर्स मैंने देखे जो गाना गम गाते हैं बातें ज्यादा करते हैं, मतलब इट्स मतलब इसके दोनों तरीके से आप सोचो, तो ऐसा कोई दोस्त है यार कि मतलब ये गाना गम गाता है लेकिन बातें बहुत करता, बातों नहीं बहुत है मतलब। नाम नहीं लूंगा लेकिन मेरा बस एक सजेशन रहेगा वो, क्योंकि उनको खुद को पता है, बहुत सारे लोगों ने उनको भी सजेशन दिया होगा भाई बातें कम कर, फेमस नाम है लगता ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब शोज करते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको सिंगिंग छोड़ के ना पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्या है ना वो मतलब गए हैं स्टेज पर भाषण भी दे रहे हैं, भाषण का भाषण हो गया, दो तीन गाने गा दिया तो और ज़्यादा पब्लिसिटी मिल गई, वोटिंग्स अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे कोई सिंगर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, और ऐसे कोई सिंगर्स नहीं है मुझे नहीं लगता, क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन बस इतना ही बोलना चाहता है कि वो बोलना चाहता है और आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ जो सुन रहा है, मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई है तो भाई सिंगिंग ही करो ना, म्यूजिक करने आए हो आप, आपको कोई सुनने नहीं आया, भाषण सुनने नहीं आया आपका, आप गाना गाओ ज़्यादा बेटर है। मुझे ऐसा लगता है बातें बहुत सारी हो गई, गाने थोड़े कम हो रहे हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो एक बढ़िया सा गाना, और फिलहाल तुम आजकल कौन सा गाना ज़्यादा सुन रहे हो या गुनगुना रहे हो सुबह शाम? रिसेंटली जो आया हुआ है ना शेरशाह मूवी, उसका गाना है, बहुत सही गाना है। और एक भाभी का फेवरेट गाना कौन सा है, और तुमने प्रपोज कैसे गाना गा के किया था कि मतलब बिना गाना गाए प्रपोज किया? प्रपोजल वपोजल वाला सीन ही नहीं था हमारा, अरेंज मैरिज, हाँ नहीं अरेंज नहीं कह सकते हो लेकिन प्रपोजल वगैरह वाला सीन ही नहीं हुआ कभी हमारा, बस इतना ही हुआ कि ये चलो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ठीक है कर लेते हैं, हाँ सीरियसली टाइप ऐसा ही हुआ कि यार चल ठीक है ना कर लेते हैं, अब कर लेंगे शादी, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। ओके ओके, मतलब पहले दोस्त बने फिर प्यार हुआ फिर शादी हुई अब बच्चे होंगे फिर प्यार अब हो रहा है, अच्छा प्यार नहीं हुआ मतलब प्यार नहीं, हमारा सिर्फ इतना था कि भाई चलो ठीक है शादी करते हैं, अभी एज हो गई है क्योंकि उनके लिए भी सर्च आउट करना शुरू हो गया था और मेरे लिए भी चालू था अभियान जारी, तो फिर मैं बोला कि ठीक है, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा सीन है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तू पसंद है तो कर लेते हैं क्या शादी, बोला यार फिर मैंने बोला थोड़ा सोचने के लिए टाइम दे, फिर सोचे हम लोग, बोला यार सही है लड़की तो ज़्यादा मतलब लड़की और ज़्यादा क्या होता है ना अपने अपने लाइन में अपने करियर में म्यूजिक फील्ड में एग्जैक्टली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है सारी चीज़ों का, क्योंकि अगर अपना पार्टनर सही नहीं हो तो राइट बहुत काम इफेक्ट करता है। एग्जैक्टली, तो मेरी पार्टनर बहुत अच्छी मिली है मुझे, तो बस चल रही है चीज़। लास्ट वाली लाइन छोड़ के सब छोड़ बोला दिल से बता रहा हूँ मेरा दोस्त है ये नहीं मैंने सब सही बोला है, मैं कहा भी तो कुछ चोर होगी बाद में अगले बार चलो गाने के ऊपर और म्यूजिक के ऊपर आते हैं, एक गाना गाता हूँ मैं भी जो मैं बहुत ज्यादा गुनगुना रहा हूँ,
तेरे मेरे गले होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए, जानदा है दिल ये तू जान दे तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए, काटू कैसे रात हो सावरे, जिया नहीं जाता सुबावरे, के रात लंबिया लंबिया रे कटे तेरे संगिया संगिया रे, के रात लंबिया लंबिया रे कटे तेरे संगिया संगिया रे। मेरा भी ये गाना बहुत फेवरेट है, इंस्टाग्राम पे जो देखो वो यही डाल रहा है, सारी रील्स इसी पर बन रही है, तो सब लोगों का फेवरेट है और बहुत अच्छा है। अच्छा गाना, अच्छा गाना, बहुत अच्छा गाना। बहुत सारी बातें कर ली हमने नागपुर की, ज़माने भर की, अब तुम्हारे आने वाले दिनों की बात करते हैं। व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान्स, आने वाले समय में क्या करना चाहता है पुनीत? मैं करना चाहता था बहुत पहले से, वो हो नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा आई गेस। हम लोग सिर्फ लगे हुए हैं हमारे कंपोजिशंस के ऊपर, मतलब जो 12 गाने अभी बनाए हैं उनको प्रोड्यूस करके रिलीज करने। हाँ, मतलब हम लोगों को कुछ लोग अप्रोच कर रहे हैं गाने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है जिसको मैं एग्जैक्टली ग्रैब करके ग्रैब करके बोलूं कि यार हाँ मैं ये चीज़ कर चुका हूँ। मैंने 2-3 मूवीज़ में भी पहले गाया हुआ है, लेकिन वो क्या होता ना कि आप गा लेते हो, बट सिर्फ गाना है इसके लिए नहीं, नाम होना चाहिए, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक जस्ट एक टाइम नहीं आ रहा है, वो टाइम आएगा तो हम लोग सब लोग चमक जाएंगे। बस हमारे कंपोजिशंस मैं चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसे जगह जाए, क्लिक हो जाए। हाँ, क्लिक हो जाए, लाइक कोई वेब सीरीज एंड ऑल में, तो कुछ 2-3 जगह बात चल रही है, होपफुली वो हो गया सब कुछ, तो अगली बार इंटरव्यू करने आऊँगा तो बोलूँगा कि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ। क्या बात है, तो ज़रूर हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। और इफ़ मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि सोनी म्यूज़िक के लिए भी तुमने एक कवर गाया था। Yes. कौन सा था वो गाना? बोलना गाना किया था हम लोगों ने। राइट। बोलना गाना एक्चुअली वो सोनी ने प्रोड्यूस करवाया था। राइट। तो आशा करते हैं ज़रूर कि आने वाले दिनों में पुनीत को हम बड़े पर्दे पर देखें, बड़े पर्दे पर उसकी आवाज़ सुने, उसका म्यूज़िक सुने। एक ड्रीम होता है ना हर किसी का, तो तुम्हारा ड्रीम तो ऐसा कोई कलाकार है जिसके साथ तुम फिर एक बार, जैसे अतुल का तुमने नाम लिया, तो उनके साथ तुम स्टेज शेयर करना चाहते हो, उनके साथ तुम काम करना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, ऐसा कोई है? हाँ, मैं अजय तो सर का तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मुझे करना है उनके लिए, रिकॉर्डिंग करनी है, कभी मैं कर पाऊँ तो मैं एज एन स्क्रैच ही गा दूँ ना वहाँ पर, तो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। मुझे परफॉर्म करना है, एज इन मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मेरे को लाइक बस सुनाना है उनके स्टेज पर जाके खड़ा होकर कि हरिहरन सर को मैं थोड़ा बहुत रोज़ा जाने मन सुना दूँ कि मैं क्या गाता हूँ सर, ये रोज़ा जाने मन तो ही रहे, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बस यही है और कुछ नहीं। क्या बात है, तो हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि आने वाले साल में, मतलब इसी साल या अगले साल, पुनीत के सारे ख्वाब जो है पूरे हो जाए। मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं एक चीज़ भूल नहीं गया, मुझे दिमाग में था लेकिन मैं बातों में निकल गया, नहीं निकला। हाँ, मेरी जो क्या हो ना कि एक जर्नी होती है अपने, हमारी एक लाइक लाइफ जर्नी, राइट, एक वर्चुअल जर्नी होती है, उसमें हम लोग, मेरे साथ एक मेरे दोस्त हैं विशाल बागुल, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक्चुअली अभी उनकी शादी हुई है, थोड़ा बिजी हैं, तो अभी फिलहाल लाइव शोज़ में वो ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि क्या कोविड के कारण ना बहुत सारी चीज़ें उन पर भी बर्डन बहुत आ गया, तो हम दोनों ने साथ में बहुत काम किया हुआ है, अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई तुम लोग साथ में काम क्यों नहीं कर रहे, ऐसे जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, कुछ भी गलत नहीं है यार, गलत मत फैलाओ। गौर से सुनिए, ब्रेकिंग न्यूज़ है, विशाल और पुनीत के रिश्ते बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, रोज बात होती है यार, ऐसा कुछ नहीं, अफवाह मत फैले, बस दोनों की शादी हो गई तो दोनों अपनी फैमिलीज के साथ थोड़ा बिजी है, तो लेकिन हम लोग, मुझे वर्चुअल जो होता है ना, वर्चुअल वर्ल्ड होता है, उसमें लाने वाला सबसे बड़ा बंदा विशाल है, क्योंकि मेरे सारे कवर्स उनके साथ में ही है, और उसने बहुत सपोर्ट किया है, उसने म्यूजिकली भी बहुत सपोर्ट किया हुआ है, बहुत टेक्निकल बंदा है, बहुत अच्छा काम करता है, और अभी भी हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि टेक्निकल चीज़ों को मैं क्या लाऊं ना सामने, अभी मैं लाइव करता हूं परफॉर्म, तो लाइव में अगर वो नहीं आ पा रहे, लेकिन हम लोग टेक्निकली बहुत ज़्यादा हम लोग अभी चल रहा है, और हम लोग सब लोग साथ में मिलकर ही काम करते हैं, बस यही ऐड ऑन करना था। बस, तो विशाल भाई मुझे सुन रहे हो तो मेरी तरफ से भी हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, घर पर रहिए, खुश रहिए, कोरोना से खुद का और परिवार का बचाव करिए। घर पर नहीं, साइकिल चला रहा हूं। हाँ, उसको नया शौक लगा है साइकिल चलाने का, तो अच्छी बात है। तो मैं यही कह रहा था कि पुनीत तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूँ जल्दी तुम कोई बड़ा काम करो, उसके लिए हम एक्सक्लूसिव तुम्हारा दोबारा से फिर एक बार इंटरव्यू पक्का करें। एंड आई होप आज का हमारा ये जो देसी कलाकार का एपिसोड है जो हमने पुनीत के साथ शो किया, आप लोगों को बहुत मज़ा आया हो देखकर,
नहीं आए हो तो भी बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, कोई सवाल आप चाहते हैं कि अगली बार पूछे या फिर पर्सनली पूछे तो आप डीएम भी कर सकते हैं उसको, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब तीनों जगह। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो नीचे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना मत भूलिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि किस तरीके का ये एपिसोड था। सबसे खास बात, हम GTPL पर भी आते हैं चैनल नंबर 470 पर, तो वहाँ पर भी आप लोग हमें जरूर देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच पुनीत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो आप लोग भी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, अपने साथ अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए। थैंक यू सो मच।